तो हे गाइस, वेलकम बैक टू एन न्यू व्लॉग। एंड आई होप आप लोग मस्त हो गए एंड मैं भी एकदम मस्त हूँ। एंड अभी बज गए हैं दस बजते। मुझे लगा था 8 बजे, क्योंकि 8 बजे मैं कोचिंग से आया था, बट अभी तो 10 बजे। तो अभी बज गए 10:30 एंड मैं उठ गया हूँ सो के, क्योंकि कोचिंग के आने के बाद मैं हमेशा सो ही जाता हूँ, तो सो गया था। एंड बाल भी बहुत बड़ा हो गया, एंड वही मेरा रेड टी शर्ट, क्योंकि ये मुझे मेरा फेवरेट है, तो मैं डेली यही पहनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो चलते हैं उस रूम में। तो उस रूम में अभी सृष्टि होगी, ये देखो केमाड़ी भी लगा दी। तो गैस मैंने ध्यान दिया नहीं और 1 बज गया, इसको डिस्टर्ब हुआ। तो गैस मैंने ध्यान दिया नहीं और 1 बज गया, अब मुझे जाना पड़ेगा केमिस्ट्री क्लास, क्योंकि आज बहुत दिन से नहीं गई, तो पहले जैकेट पहन लेते। हाँ आज क्या बोले बन यार, इसको बहुत डांटते, मैं नहीं जाता हूँ तो सृष्टि को बहुत डांटते हैं, बोलने आता। तो वैसे पहले जैकेट पहन लेता हूँ, देखो वैसे ऐसे जैकेट पहन। मेरे पब्लिक देख रहे, 500 सब्सक्राइबर अभी देख रहे, पता है तुमको? चौचो कुछ भी बेइज्जती, हमेशा गाइस मेरा बेइज्जती। तो ऐसे आज 12 बजे से पढ़ रही है, एंड इसको ये कितना पूरा रात पढ़ती है, लेकिन दिन होते होते सब भूल जाती है। ये कैसा पढ़ाई है तुम्हारा, सो बताओ। तो ऐसे ये मेरा जैकेट हमेशा का, हमेशा की तरह। ये दोनों मेरा फेवरेट है, रेड टी शर्ट एंड ये। अब जो सच्चाई है वो बोल दिया, रेड टी शर्ट एंड ग्रीन जैकेट एंड ये हमारा बैग। तो गाइस चलते हैं कोचिंग, कोचिंग से आएंगे फिर तो आपके लिए बनेगा, एंड टेंशन आप मत लो। बाय 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 सी या। तो गाइस कोचिंग से भी फाइनली आ गया, एंड मैं आ गया हूँ छत पे कुर्सी एंड ट्राइपॉड लेके, एंड बनाना है इंस्टाग्राम के लिए कुछ रील, तो वो बना के डाल दूंगा, उसके बाद फिर से ब्लॉग बनाऊंगा। रील बनाना हो गया, एंड अब ट्राइपॉड लेते हैं एंड जैकेट भी पहन लेते हैं, उसके बाद जाते हैं डायरेक्ट नीचे, क्योंकि ऊपर में बहुत ठंड लग रही है और प्यास भी मुझे जोर से लगा है। हाँ क्या बोली? तो ऐसे मैं नीचे आया एंड सृष्टि ऊपर चली गई, तो चलते हैं ऊपर ही फिर। वैसे भी मुझे नीचे में और ठंडी लग रही थी ऊपर से ज़्यादा, तो चलते हैं ऊपर ही। देखो एंड ये सोने यहाँ पे आके बैठी और दौड़ते हुए। मतलब फिर से मुझे नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर नीचे चले गए, ऊपर में तो अकेला मन नहीं लगेगा, चलना पड़ेगा फिर। तो गाइस मैं एकदम रजाई के अंदर हूँ, क्योंकि मम्मी ने मुझे डांट दिया, बोली जाके सो जाओ क्योंकि ठंड आ जाए बहुत। तो मैं सो गया एंड सोने में हमेशा अपने रूम में ही आता हूँ, स्टडी रूम में, क्योंकि यही मुझे मन नहीं लगता है। मैं जो रूम में रहता हूँ उसमें तो सृष्टि रहती है, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा भी मन नहीं लगता, इसीलिए तो मैं भाई। तो अब फिर मुझे सोना पड़ेगा, ब्लॉग तो बनाना कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी मुझे डांटी है, बोली है जाके सो जाओ। तो देखते हैं, सो के उठते हैं फिर बनेगा, आप टेंशन मत लो। तो ऐसे सो के तो उठ गया एंड मम्मी ने दे दी कॉफ़ी, तो पहले कॉफ़ी पीते हैं पहले। बहुत मस्त है, अगर सुबह सुबह मिल जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा, लेकिन अभी मिला है शाम को, ये भी सोनी के कारण। तो बाल भी हमारा ख़राब हो गया एंड मेरा लुक पूरी तरह से ख़राब हो गया, तो वो भी अब ठीक करना पड़ेगा। जब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि रात तो हो ही गई एंड पूरा दिन आज मैं सोया ही रहा, इधर से सो के उधर गया, इधर से सो के उधर गया, पूरा दिन मतलब आप सोने में ही गुजार दिया। तो कल से
कल तो पक्का नहीं सोऊंगा, वैसे ये मैं डेली बोलता हूँ लेकिन डेली वही होता है जो डेली होता है। अच्छा कोई नहीं, तो अभी सीएसटी आएगी तो हम दोनों पढ़ने बैठेंगे एंड आज उसका प्रैक्टिकल बुक एकदम खत्म ही कर देंगे। सिस्टी को नया सेगमेंट मिला है, मैं उसमें सब मुझे याद है। सिस्टी पूछ ना हमसे, एक पूछ पापा भी नहीं पूछ सकते। नहीं पापा नहीं, तुम ही पूछो ना, ये मुझसे कुछ नहीं पूछ सकती इसलिए पापा को मैं सब बोलते। एक क्वेश्चन पूछी थी बचपन में कितने संस्कार होते, 6, ये तो हमको याद है। तो गाइस जैसे ही रात होता है मेरे पास आ जाता है दूध का ग्लास, तो पहले आप इसे पीते हैं एंड ये ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि ये एकदम फ्री है। एंड कल से नया लुक में आऊँगा तो आप वेट करो, फिलहाल अभी थोड़ा इसी मूड में इसी लुक में रहने दो क्योंकि कितना दिन से नहा भी नहीं हूँ, तो कल से नहा कर ब्लॉग बना हुआ एंड न्यू लुक में। तो गाइस मिलते हैं कल, बाय बाय।